मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक चंद माह पहले सरकार ने प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा का कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। जबलपुर से जागरूकता रथ की शुरुआत की है, जिसे कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विवेक तनखा ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही कहा कि स्मार्ट मीटर पैसे बनाने का एक जरिया है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, ये आशंका है कि स्मार्ट मीटरिंग जो है इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं हो सकता। कांग्रेस किस तरह से बिजली एक बहुत ही बड़ा इशू है। मुझे याद है तब तो मैं मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल था, दिग्विजय जी की सरकार थी। हमारी सरकार 2003 में इसलिए गई थी क्योंकि पर्याप्त बिजली हम नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारे पास उस दिन कारण था। छत्तीसगढ़ बन चुका था और दो तिहाई बिजली के जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था और योगी जी ने हमको बिजली का सप्लाई बिना पैसे के बंद कर दी थी। बट आज 20 साल हो गए उस बात को, आज क्यों बिजली का संकट है? मैं अभी जब गांव में गया, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, जले हैं तो कोई प्रबंधन नहीं। लोग कहते हैं 7 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे बिजली, वो मुश्किल से 3 घंटे रात को, 3 घंटे सुबह। अब आप बताओ, अगर बच्चों को पढ़ना है और आप कहते हो हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंटरनेट चलेगा कैसे जब तक बिजली नहीं होगी गाँव में? तो जो बिजली की हालत बना दी आपने, खेती किसानी की हालत बना दी, उससे ना तो पंप चलेगा, ना खेती किसानी होगी, और भगवान ने अगर वर्षा कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारे किसानों की दुर्दशा आपने कर दी है। और जहाँ तक ये स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये स्मार्ट मीटर जो एक ऑलवेज एक पैसे बनाने का जरिया होता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हजारों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप L1 को ही देते हो, बट L1 खुद ही बहुत अच्छा आदमी होता है। ये पूरे मैं इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनाव के बाद होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के हाथों से होनी चाहिए जहाँ कोई पैसा ना बना पाए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का, और भ्रष्टाचार के साथ जो असक्षम प्रशासन है, जो शासन जिस बिल्कुल ही असक्षम है और जिसको आपने पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसी मारे जो आपके सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब सर्वे रिपोर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश हार रही है। इसलिए हार रही है कि 18 साल का जो दुष्प्रशासन है वो सबको दिख रहा है। और ये एंटी इनकम्बेंसी, आप कितना पैसा बांट लो, आप कितना किसी को पैसा दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और आखिरी दिन में जब आप पैसा बांटते हो तो पब्लिक भी समझती है ये पैसा चुनाव का पैसा है, ये पैसा प्रशासन का पैसा नहीं है। सर, ये जो जन आशीर्वाद